क्या आप जानते हैं कि फैटी लिवर आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होने लग गई है, बट इस पे कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि सबको लगता है कि फैटी लिवर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कोई भी अल्ट्रासाउंड कराता है तो उसमें ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर आता है, लेकिन फैटी लिवर होना अपने आप में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। अगर आपने टाइम से उसको ट्रीट नहीं किया और डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई मेडिकेशंस ली तो आपको नुकसान हो सकता है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से कौन से फूड जो हैं वो लिवर के लिए हेल्दी होते हैं, और इस वीडियो में हम लोग आपसे शेयर करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो लिवर के लिए बहुत ही अनहेल्दी हैं और आपको उनको अवॉइड करना चाहिए। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हमारे वीडियोस देखिए, हम आपसे जो भी मेडिकल नॉलेज है लिवर से रिलेटेड, अस्थमा से रिलेटेड, सब हम आपसे शेयर करेंगे। तो कीप वॉचिंग एस होम्योपैथी या हेल्दी ट्यूट विद डॉक्टर अमित अरोड़ा। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो सबसे पहली चीज़ जो है अपने लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपको अवॉइड करना है वो है अल्कोहल। हम सब जानते हैं कि अल्कोहल हमारे लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट अगर रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल का इंटेक होता है तो वो लिवर को ना सिर्फ डैमेज करता है बट लिवर को ऐसी हालत में पहुंचा देता है कि कई बार ये बहुत ही खतरनाक फेटल हो सकता है। आजकल बहुत ही छोटी एज ग्रुप के बच्चे भी अल्कोहल लेने लगे हैं, तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट नहीं बल्कि मैं आप सबको कहना चाहूँगी ये बात कि अपने बच्चों पे अपना पेरेंटल कंट्रोल ना छोड़ें और उनको ये समझाएं कि उनको किस एज में, किस मेच्योरिटी में आके उन्हें अल्कोहल कंज्यूम करनी है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि अल्कोहल जो है, लिकर जो है, वो उनको कितना हार्म कर सकती है। सो जब वो सोशलाइज करते हैं और जो सोशल मीडिया से आजकल वो बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि अल्कोहल जो है वो कितना हमारी हेल्थ को नुकसान कर रही है। ये सिर्फ पेरेंट्स ही हैं जो बच्चों को ये चीज़ समझा सकते हैं, उनको समझाना ही नहीं है, खुद भी उसको अपने आप पे अप्लाई करना है। और उनके सामने आप बहुत ही मॉडरेशन में अल्कोहल लें, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं और बड़ों से सीखते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग अपनी अल्कोहल जो है वो धीरे धीरे करके बंद करें, क्योंकि अल्कोहल का सबसे सिवियर इफेक्ट लिवर पे होता है इन द फॉर्म ऑफ फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस एंड लिवर कैंसर। तो अगर आपकी लिवर को डैमेज होता रहेगा तो उसमें स्कारिंग आती रहेगी। जब आप अपने फाइब्रो स्कैन कराएंगे आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि आपके लिवर में कितना डैमेज हो चुका है। सो अल्कोहल लिवर के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ को भी बहुत इफेक्ट करती है, हमारे डिसीजन मेकिंग को, हमारे थॉट प्रोसेस को। हम कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं अपना जस्ट बिकॉज ऑफ अल्कोहल। तो अपने साथ साथ अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आपके बच्चे हैं, उनको भी ये गाइडेंस दें कि अल्कोहल लिवर के लिए क्या, आपकी पूरी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। सो पॉइंट नंबर 2 जो आता है वो है कि सबसे अनवांटेड चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए है दैट इज शुगर, कैंडीज, जो ये पैक्ड फूड आइटम्स आते हैं, जो ये जितना भी फ्रोजन फूड आ रहा है जो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, खासकर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो डले होते हैं, वो आपके लिवर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। हमारा लिवर जो है, जो हम फूड लेते हैं उसी से जितना उसको ग्लूकोज चाहिए होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बाकी ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है। हम प्रोटीन्स, कार्ब्स, विटामिन्स, जो कुछ भी हमारे मील से मिलता है, तो लिवर का ही रूल है कि भाई मुझे जितना चाहिए मैं ले लूँगा और बाकी सब कुछ तुम्हारा, मुझे किसी का कोई उधार नहीं रखना। इसमें हेल्प करता है इंसुलिन। सो इंसुलिन अगर सही मात्रा में आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा है पैनक्रियास से, तो इंसुलिन उस शुगर को जो कि लिवर ने ब्लड में छोड़ दिया है, उस शुगर को हेल्प करेगा वो बाकी आपकी बॉडी में भेजने में, एनर्जी रिलीज करने में, क्योंकि जो एनर्जी हमें मिलेगी वो शुगर से ही मिलेगी। सो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए जो फ्यूल है वो वाइट शुगर नहीं है, जो हम खाना खाते हैं वो जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जाके हमारी बॉडी में,
वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अगर ये फ्री फ्लोइंग शुगर जो है हमारी बॉडी में तैरता रहेगा, तो फिर हमारी बॉडी को समझ में आ जाएगा कि भाई ये अलार्मिंग टाइम है, बहुत ज़्यादा शुगर हमारे ब्लड में होती चली जा रही है, और इंसुलिन भी हेल्प नहीं कर पा रहा उसको अब कि भाई वो एनर्जी रिलीज कर पाए। तो फिर इस शुगर का क्या होगा, ये शुगर जाके हमारी बॉडी में सिर्फ फैट बनेगी, तो जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा फैट की फॉर्म में, तो धीरे धीरे ये ओबेसिटी बढ़ती चली जाएगी। ओबेसिटी बढ़ेगी तो बीपी आएगा, डायबिटीज आएगी, और बहुत मेजर इश्यूज आएंगे आपके जॉइंट से रिलेटेड, आपकी मसल से रिलेटेड। सो एक के बाद एक चीज जो है वो इंटर रिलेटेड है लिवर से। तो अपने लिवर का ध्यान रखना आपका सबसे मेन काम है। अपने लिवर को स्ट्रेस में मत डालिए, उसको उतना ही दीजिए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा काम मत कराइए। पॉइंट नंबर थ्री हमारे पास जो है वो सबसे ज्यादा ये है, फ्राइड फूड्स, जंक फूड। फ्राइड फूड्स भी मैं क्यों कह रही हूँ आपको, बिकॉज आपने देखा होगा कि बाहर जितने भी वेंडर्स हैं, स्ट्रीट फूड्स हैं, कई बार वो बहुत मल्टीपल टाइम्स एक ही ऑयल यूज़ करते हैं, और वो अच्छी क्वालिटी का ऑयल भी नहीं होता जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल हो। तो उसी एक ऑयल में मल्टीपल चीज़ें बनाना, समोसे, कचौड़ी, चाउमिन, और बहुत बार उसको रीयूज करते रहना, उसको स्टोर करके रख देना, क्योंकि उनको हमारी हेल्थ से मतलब नहीं है, उनको अपनी सेल करनी है, और हम लोग हैं चटूरे और हम लोग जाके वो सारी चीज़ें खाते हैं, तो उनको हमारे जैसे लोग ही चाहिए जो कि आके वो सब चीज़ें खाएं। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो फूड हमारे लिए हेल्दी है जो हम खा रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स यूज होने वाला ऑयल, रीहीट होने वाला ऑयल अपनी पूरी की पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू खो देता है। देखिए, ऑयल ही हमारे लिए सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन एक मॉडरेशन में। तो अगर आप मल्टीपल टाइम्स ऐसी चीज़ें खाते रहेंगे, हफ्ते में 3-4 दफ़ा आप स्नैकिंग कर रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो वो आपके लिवर को डैमेज ही करेगा, वो लिवर को कहीं भी यूजफुल चीज़ नहीं दे रहा है। जब आप सोशलाइज करते हैं, जब आप बाहर जाते हैं, तो आप ये चीज़ मेक श्योर करें कि आप ज़्यादा डीप फ्राइड खाना ना खा के आप बेल्ट या तंदूरी चीज़ें लें, जिससे कि एटलीस्ट आपके लिवर को डैमेज नहीं होगा। सो आई होप कि हमारे इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ यूजफुल जानकारी दी है। आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ शेयर करिए। अगर आपको हमारे और भी ऐसी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड, होम्योपैथी से रिलेटेड जाननी है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप अपडेटेड रहें बहुत सारी हेल्थ इन्फॉर्मेशन से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।